तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि तुम इसी काबिल हो। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? जाहिल, बदतमीज और बदतहजीब। एक ही तो बेटी थी मेरी, क्या क्या अरमान थे मेरे। पुश्ता ने सब तबाह कर दिया मसूद भाई। Oh,
डॉक्टर साहब आप मुझे बताएंगी कि सब खैरियत है ना? इनका बीपी और शुगर दोनों ही बहुत डाउन है, नॉर्मल से भी कम है। ऐसी हालत में मरीज का ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। शुक्र है ये ठीक है, मगर आपको बहुत एहतियात करनी होगी। जी, लेकिन डॉक्टर साहब इन्हें शुगर तो नहीं है? ज़रूरी नहीं कि अगर शुगर हो तो ही शुगर लो हो। समटाइम नॉर्मल इंसान में कमज़ोरी हो जाने की वजह से भी शुगर लेवल नीचे आ जाता है, और लगता है जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। ऐसी बात नहीं है, घर में इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हाँ, बस थोड़ी सी मूढ़ी है, लेकिन सारी चीज़ें इनको ऑन टाइम मिल जाती हैं। फिर भी आपको अब बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, और कोशिश कीजिएगा कि दोबारा ये ऐसे भूखे पेट न रहें। जी, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो आप इनको ला के खिला दें। डॉक्टर, ये होश में क्यों नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, कमज़ोरी की वजह से है। आप इनको मेडिसिन खिलाएंगे तो ये होश में आ जाएंगे। ठीक है, मैं आइए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यकीन करना, हमारी कुल बहुत खुश होगी। देख लेना, नौफिल बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ रखेगा उसे, देख लेना। बस बस बस, चलो बाजा की गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूं। रिश्ता तुम भी मुझे ये हक देती कि मैं तुम्हें दुआओं के साथ सर पे हाथ रख के रुखसत करता। बेटा, मैं जानती हूँ तुम रिश्ता को याद कर रहे हो। देखो बेटा, हमें तो बस दुआ करनी चाहिए कि वो जहां रहे खुश रहे। हमसे मिले ना मिले से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने घर में खुशगवार जिंदगी गुजारे। ऐसी शादियों में कामयाबी के कितने चांसेस होते हैं, मैं बेहतर जानती हूं। दो नौजवान ना तजुर्बाकारी में जज्बाती फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी शादी में कोई बुजुर्ग शामिल ना हो, उसका अंजाम मुझे अभी से नजर आ रहा है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करो, बज़ाहिर तो वो खुश नजर आती है। अच्छा शायद बेटा, बहुत देर हो गई, अब चलो। जी अम्मा, आप चले, मैं आता हूँ। अम्मा, आपको क्या पता, मुझे किसी अनजाने तूफान की आहट सुनाई दे रही है। इसका हद से ज्यादा दिखावा और नमूदो नुमाइश मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा है, क्योंकि अमूमन अंदर के अंधेरों को छुपाने के लिए बाहर रोशनी की जाती है। छू सकी कोई रा, एक पल की खुशी।
नौफल, यहाँ क्या खड़े हो, चलो अंदर। अम्मी मुझे घबराहट सी हो रही है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बेटा आप दुल्हन विदा होके घर आइए, अभी रस्में करनी है। रस्में? अब कौन सी रस्में अम्मी? ओफो, जब दुल्हन घर आती है तो उसे वेलकम किया जाता है, उसका मुंह मीठा करवाया जाता है, तो ये तुम्हारे बगैर तो नहीं होगी ना रस्म। चलो अम्मी, क्या ये सब जरूरी है? नौफल बेटा, तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है ना, मैं समझ सकती, लेकिन गुल अब तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो चुकी है और रुशना बहुत दूर जा चुकी है। इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगे, उतनी ही जल्दी अजियत से बाहर आ जाओगे। जी जानती हूँ, नौफल रोशना को दीवाना वार चाहता था, उसके दिल में वही बसी हुई थी, मगर मेरी बेटी, मुझे यकीन है तुम अपनी खिदमत और मोहब्बत से नौफल का दिल जीत लो। और मेरी दुआएं नौफल के लिए तुम्हारे दिल में जरूर जगह बनाए। मोबाइल क्यों बंद है आखिर? अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर। नौफल नहीं आया अब तक, जाहिर है उसे मुश्किल हो रहा होगा खुद को संभालना, उसके लिए आज की रात बहुत कड़ी है, सारे ख्वाब जो टूट गए उसके, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, लेकिन मुझे अब
हर तरह के हालात से समझौता करना है। नौफिल को इस दुख से निकालने के लिए उसका साथ देना है। वो मुझे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो प्यार करती हूँ ना उससे। हम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम चाहो तो हम अब भी अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हैं। और अच्छे दोस्त क्या, हम तो एक दूसरे के दुख दर्द के साथ ही हैं ना। तुम्हारे दुख को समझती हूँ मैं। चाहो तो अब भी अपना दुख मुझसे शेयर कर सकते हमेशा की तरह। सॉरी हमारे दरमियान सॉरी कब से आ गया? सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। तुम चेंज कर लो और आराम कर लो। कहा ना बहुत अच्छी दोस्त हूँ, और वो दोस्ती क्या जो दोस्तों के जज्बात नहीं समझ सके। तुम्हारी जज्बाती कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, इसलिए आराम कर लो। दिल ऐसा बंजर हुआ, जाओ चेंज कर लो। नहीं खिल सका, बेपनाह बेपनाह मैडम, आप ये शरबत पी लें और शावर ले लें, मैं आपके लिए नाश्ता यहीं ले आऊँगी। क्यों, यहाँ क्यों करूँगी मैं नाश्ता? मैं नीचे डाइनिंग रूम में नाश्ता करूँगी। मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वहाँ तक नहीं जा सकेंगी। क्या हुआ मेरी तबीयत को? आप दरवाजे के आगे बेहोश हो गई थी, डॉक्टर आया था आपको देखने के लिए। क्या, मैं बेहोश हो गई थी? जिब्रान, जिब्रान कहाँ है? साहब जी तो गेस्ट रूम में सो रहे हैं। ठीक है, जाओ तुम। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात हो रही है, तुम क्या कर रहे हो जिब्रान? तकलीफ हो रही है जिब्रान, मुझे तकलीफ। चलो यहाँ, छोड़ो मुझे जिब्रान, जिब्रान। ये है तुम्हारी औकात, समझ भाई? आप इस घर में जिब्रान, ऐसा मत करो जिब्रान, प्लीज जिब्रान।
जिब्रान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? आजकल वो बहुत रूड हो गया है। क्या वो मुझसे बेजार हो गया है? क्या मेरे घर वालों की बातें सच सच साबित हो रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मेकअप, ज्वेलरी, इतना इतना भारी जोड़ा, मैं क्यों इतना तैयार हो रही हूँ? क्योंकि आज मेरी शादी का दूसरा दिन है और मेरी और नोफिल की फैमिली मुझे इसी अंदाज में देखना चाह रही होगी। अब मुझे सबकी खुशी का ख्याल रखना है। क्या वाकई नोफिल मेरा हो गया है? लेकिन कहाँ, वो तो अभी तक रुशना को भूल ही नहीं सका। मगर उसका नाम तो मेरे नाम के साथ जुड़ा है और मुझे यकीन है एक दिन दिल भी जुड़ जाएगा। उठना नहीं है भाई, सब नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उठ क्यों? तुम जाओ, मैं आता हूँ तैयार होकर 10 मिनट। अगर हम साथ चलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हमारे दरमियान जो भी बात है वो इस कमरे की हद तक है। बाहर सबके सामने हमें बहुत नॉर्मल अंदाज में जाना है। गुल, बहुत अच्छी। Thank you.
जिब्रान, जिब्रान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आखिर मेरा कसूर क्या है जिब्रान? क्या कहा? तुम्हारा क्या कसूर है? हाँ, यानी ये सब कुछ होने के बावजूद तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? जिब्रान, अगर मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया और उसमें मैसेजेस आए हुए थे, तो इसमें कौन सी मेरी गलती है? और हम दोनों मियां बीवी हैं, हमारे बीच ऐसी क्या प्राइवेसी है? बीवी माय फुट। तो ये पता है कि मैं शादी से इतना क्यों चिढ़ता था, इतना क्यों भागता था? ताकि ये बीवी नाम की जो मखलूक है ना, ये मेरे सर पर चढ़ के ना नाचे। बात सुनो, तो मैंने मना किया था ना, मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर मत करना, लेकिन तुम पास नहीं आए। जिब्रा, इतना बड़ा जुर्म नहीं था मेरा कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। तुम जानते हो कि मैं पीछे सारी कश्तियां चला के आई तुम्हारी खातिर। अच्छा, तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये सब कुछ मेरे लिए छोड़कर आओ? नहीं ना, ये सब कुछ तुम अपने लिए छोड़ के आई थी ताकि तुम्हें ये लग्जरियस लाइफ मिल सके। समझ में आई? ऐसा नहीं है जिब्रान, मुझे तुमसे मोहब्बत थी। मोहब्बत तो तुम्हें नोफिल से भी थी, है ना? तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे जिब्रान? याद करो, तुम किस तरह मुझसे वादे करते थे, मोहब्बत के दावे करते थे, वो सब क्या था जिब्रान? लेकिन मैं किसी को छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आया हूं। तुमने तो अपनी बचपन की मंगनी तोड़ दी, पहली मोहब्बत छोड़ दी, हत्ता के अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। चिब्रा, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? तुम्हारा क्या भरोसा? कल तुम किसी और के लिए मुझे भी छोड़ दो। वैसे आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। कुदरत कितनी मेहरबान है मुझ पर। मेरा अल्लाह भी मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं तो जानता हूँ कि आप इंगेज हैं, लेकिन दिल तो नहीं जानता ना। प्लीज, सिर्फ एक बार आप हाँ करते हैं। दिल चाहता है कि तुम्हें मैं यहाँ से बहुत दूर लेके चला जाऊँ, जहाँ ना कोई बंदिश हो, ना कोई रुकावट। एक लम्हा भी तुमसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अर्शना, अगर ये शादी हो गई ना, तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ मेरी प्यारी बहू, मेरी प्यारी बहू, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। नसरे बद्दूर आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। खुश हो? अल्लाह मेरी नसरे बद से बचाए, हमेशा ऐसे ही खुश रहूं। आमीन। भाई चलो, सब बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ जाओ आ जाओ जल्दी। नानी जान और मामी क्यों नहीं आई? अम्मा जी वहाँ तुम दोनों का इंतजार कर रही हैं। जी फूफो, अभी हम जाएंगे दोनों दादी जान को सलाम करने। असल में फाइजा भाभी के सर में दर्द था, बीपी हाई हुआ है उसका। उन्होंने मेडिसिन तो ली नहीं होगी अम्मी? मैं भी मेडिसिन खिला कर आई हूँ। भाई अब नाश्ता करो ना, आप सब ठंडा हो जाएगा। चलो बेटा नाश्ता शुरू करो। वैसे फातिमा भाई, इतने ही तकल्लुफात करने की क्या जरूरत? यहाँ कौन सा ससुराल और मैके वाला मामला? मसूद भाई, मुझे तो अरमान था ना कि मैं बेटी का नाश्ता लेकर जाऊँ। कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये मेरी बेटी का हक है कि इसे पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
हाँ भाई बिल्कुल हक है इसका। पुप्पो आप लेना कुछ। हाँ हाँ बेटा मैं भी लेती। मामू आप भी लेना प्लीज। हाँ ठीक बेटा, एक काम करो ये सेब देना था। थैंक यू। किसी को छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आया। तुमने तो अपनी बचपन की मंगनी तोड़ दी, पहली मोहब्बत छोड़ दी, हत्ता के अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। तुम्हारा क्या भरोसा कल तुम किसी और के लिए मुझे भी छोड़ दो। ये सब चिब्रान ने कहा है मुझसे, जिसके लिए मैंने अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ दिए। क्या वो मुझे छोड़ना चाहता है? लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? घर के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं मुझ पर। पूरा पूरा दिन इस कमरे में पड़ी रहती हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं, मगर अगर जिब्रान को मेरी कोई परवाह नहीं, ना मेरी बीमारी की, ना मेरी किसी तकलीफ की, और ना ही मेरे आंसुओं की। ये पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया ही नहीं। नौफल कितनी देर कर दी तुमने आने में। देर तो कर दी, मगर किस बात के लिए? ऑडिटोरियम में मेरा सेमिनार था, तुम भूल गए स्टूपिड। मेरी दोस्तों के कब से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। मेरे असल में बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे लेकर जाओगे, और अब तुम ये कह रहे हो। वादा किया था? ओह खैर है, रात गई बात गई। झूठे कहीं के वादा खिलाफी की तुमने, और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कब से। सॉरी रुशना, मैं मजाक कर रहा था। रुशना ये आंसू नहीं, किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। इसको कभी जमीन पर मत गिरने देना। मुझे क्या पता था तुम इतना गहरा असर ले जाओगी मेरे छोटे से मजाक का। और हाँ, तुम पर कभी भी कोई आ जाए, तुम पर कभी कोई तकलीफ आए, इससे पहले मैं जिंदा ना रहूं। बोल बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी नानी जान, खुश हूँ। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे और नजरे बद से बचाए। वैसे बेटा, नौफल तो मेरे पास ही ज्यादा रहा है, मैंने ही तरबियत की है इसकी, और मुझे बहुत फख्र है अपनी तरबियत पर। दादी जान, आपकी तरबियत पर किसी को कोई शक नहीं। आपको तो पता है मैं फितरी तौर पर निकम्मा हूँ, जज्बाती हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द अपनी हामियों पर काबू पा लूंगा। देखो बेटा, इंसान तो कोई भी मुकम्मल नहीं होता, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, वो तो सिर्फ मेरे रब की ज़ात है जो बेऐब है, वरना हमारे अंदर अच्छाई बुराई कमजोरियां तो सब में ही होती है, बस तुम फिक्र नहीं करो। अरे बेटा, और तुम्हारे अंदर तो इतनी खूबियाँ हैं कि वैसे ही छोटी मोटी जो खामियाँ होती हैं वो तो नजर ही नहीं आती। ये तो आपकी मोहब्बत है दादी। बस नानी जान, जिसकी भी तारीफ करें ना, समझ लो वो बेस्ट है। अरे नौफल तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अम्मी ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप नजर नहीं आ रही, क्या मसरूफियात है आजकल? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह आपको शिफा दे। ये बताएं, हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है? बहुत